तो अभी हम मार्केट में पहुंच गए हैं। कितने मस्त मस्त बैग हैं। अभी हम सूट ले रहे हैं, मेरे पास देख रहे कौन सा लेने का। हाँ अच्छा है, तो देख भी दो तीन पर्स ऑलरेडी है मेरे साथ, दो अभी नए लेंगे। ब्लॉग कैसे आप सब। तो अभी हम जा रहे हैं डोंबिवली स्टेशन शॉपिंग करने, तो वही अभी हम निकल रहे हैं। हम ना दोपहर को जा रहे हैं स्टेशन, अभी जा रहे हैं क्योंकि ना शाम को ना रज्जी के लिए होगा नहीं, और उधर ना बहुत ही ज़्यादा भीड़ भी होगी और शाम को बहुत गर्दी भी रहती है, और रुचि को लेकर होगा भी नहीं, वो पता है ना छुट्टी है तो उसको होगा नहीं। रुचि हाय। हम है ना रिक्शे से ही जा रहे हैं क्योंकि है ना हम स्कूटी से जाएंगे ना तो स्कूटी पार्क करने मिलेगी, अगर पार्क किया ना तो KDMC वाले उठा के लेके चले जाएंगे और उसमें 300-400 रुपये चला जाएगा इसके लिए। पृथ्वी लग रही है ना क्यूट। तो हम रिक्शा में बैठ गए, शाम को है ना बहुत ट्रैफिक भी रहता है। तो अभी हम मार्केट में पहुँच गए, अभी हम सूट ले रहे हैं मेरी मासी के लिए, देख रहे कौन सा लेने का। रुचि को देखो, उसको भी देखने का है क्या है ऊपर। तो इधर खाने पीने का है और इधर कपड़े वगैरह जीन्स, कितने मस्त मस्त बैग्स है। इधर एक लगता था ना नाइट सूट वाला, वो आदमी नहीं है अभी। हाँ मेरे को नाइट सूट भी लेने का है फ्रेंड्स। A few moments later. हमने ना बहुत कुछ ले भी लिया है और सब सामान ना मैं आपको घर पे जाके दिखाती हूँ क्या क्या लिया है हमने। और हाँ रुचि है ना, रुचि पापा के साथ घर पे चली गई क्योंकि ना उसको जो भी अच्छा लग रहा था वो मम्मा मम्मा करके मांग रही थी। तो अभी हम आराम से शॉपिंग कर सकते हैं उसके बिना। मम्मा और मैं एक सेल एग्जीबिशन में आए, कितना सारा स्टॉल्स है ना। इधर से बैग लिया तो मैं आपको घर पे जाके दिखाती हूँ मम्मा ने कौन सा बैग लिया। मुझे है ना सबसे फैंसी ये वाला लग रहा है, पर मम्मा बोली व्हाइट कलर है ज़्यादा गंदा होगा। अभी हम निकले यहाँ से, तो घर पे जाके मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या क्या लिया। तो अभी हम पहुँच गए हमारे घर, चला नहीं जा रहा, इतना थक गई हूँ मैं। मम्मा मेरे लिए रुको, ताला देखो, पापा को चाबी दिया है और पापा रुचि को लेके ऑफिस गए। हम घर से 11:30 को निकले थे और अभी 2:00 बज गए, 2.5 घंटा हो गया हम स्टेशन में थे। अभी हम आ गए घर में और पापा ने ना बिरयानी लाया, तो वही मम्मा भी निकाल रही है बिरयानी, वेज बिरयानी। हमने क्या क्या शॉपिंग की वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, पहले मैं खाना खा लेती हूँ। फिर खाना खाने के बाद है ना मैं सो गई थी और अभी 6:30 हो रहे हैं और अभी उठी हूँ, जस्ट उठे आपको दिख रहा होगा। और आज मैंने स्टडीज के लिए नहीं किया क्योंकि कल संडे है, तो मैं कल भी कर पाऊँगी। और हाँ आज तो भूल ही गई, पूरा सुबह से बोलने को ही आपको भूल गई। आज था मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम ज्योग्राफी का था, और फिर एग्ज़ाम्स आई तब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। मुझे ध्यान में ही नहीं था कि यार आपको बोलने का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम था घर के। और अभी परसों ही मेरा एग्ज़ाम मंडे को मैथ्स का है। और अभी मम्मा है ना चाय बना रही है, हम तीनों सोते हैं, रुचि भी सोती है, रुचि पहले उठी मेरे को उठा रही थी। देखो मोबाइल देख रही है, तो मामा ने भी मुझे चीज़ गार्लिक ब्रेड सैंडविच बना के दिया है। गार्लिक ब्रेड सैंडविच मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, मैंने ना सुबह भी खा के गई थी एग्जाम को। मामा भी लेके आ गए अभी चाय, मुझे मैं चाय भी पी लेती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ आज हमने क्या क्या शॉपिंग किया, आपको सब एक एक करके दिखाएगी। सबसे पहले मेरी नानी के लिए लिया है, और एक साड़ी लिया। मेरी है मौसी, बड़ी वाली मौसी, वो उनके लिए ये लिया। उनको ये 3 पीस का सेट है, दुपट्टा और लेगिंग्स। हाँ मेरी मौसी के लिए लिया है, अच्छा है ना, 3 पीस का सेट है ये। और ये क्रॉप टॉप। हाँ क्रॉप टॉप लिया, क्रॉप टॉप बोलते हैं। हाँ क्रॉप टॉप भी बोलते हैं, ऐसे ही घर पे पहनने के लिए लिया। हाँ ये बड़ी वाली के लिए लिया,
और वो उनसे छोटी है, वो उनके लिए लिया ये वाला। और ये वो छोटी वाली मौसी के लिए लिया है, फ्रॉक लिया है, कॉटन का कपड़ा है, सिल्क सा कॉटन, कॉटन कपड़ा मिक्स है। हाँ कॉटन और लियोन मिक्स है, मस्त है, अच्छे कलर बहुत अच्छे और हाँ। बहुत अच्छे है, एकदम सिंपल मतलब हाँ। ज्यादा बड़ा ना ज्यादा वो, वही तो फ्रॉक है, फ्रॉक है, फ्रॉक लॉन्ग फ्रॉक है। हाँ मैंने आपको जो कुर्ती दिखाई थी ना बड़ी बड़ी वाली मौसी के लिए है, उनका भी ऐसे कपड़ा है। हाँ इसको पता नहीं, इसको लिया था ऋतु हाँ कान में। हाँ फिर ये ऋतु को फ्रॉक लिया हमने, सारा फ्रॉक लिया, अच्छा लगा इसके लिए लिया कॉटन का भी। हाँ घर पे पहनने को मस्त है ना, हार्ट्स वाला। और दादू के लिए कपड़ा भी लाना बाकी है, उनको तो पैंट शर्ट का पीस चाहिए ना, तो पापा लेके आएंगे। और अभी हम डी मार्ट जाएंगे ना, हाँ कल पर डी मार्ट जाने वाले अभी, तब वो मासी के लिए सैंडल और दादू के लिए ना टी शर्ट वगैरह भी लेने का है। अच्छा और फिर ये ऋतु को शूज लिया हमने, ये शूज चेंज करना है मुझे। हाँ कल सुबह जाके मैं चेंज करूँगी, सुबह सुबह पहले जाके मैं चेंज करके आऊँगी। हाँ फिर मम्मा ने अपने लिए पर्स लिया, मम्मा ने तो अपने लिए ज़्यादा कुछ लिया ही नहीं, बस ये पर्स ही लिया है, फैंसी वाला पर्स। बस तीन पर्स है मैंने, और ये पर्स कैसा फैंसी है ना, सब हाँ ड्रेस में साड़ी में, इसलिए मैंने ट्रेडिशनल है, थोड़ा ट्रेडिशनल भी है और फैंसी भी है थोड़ा। गोल्ड कलर भी नहीं है ना, कौन सा कलर है ये, कलर नहीं समझा, थोड़ा थोड़ा तो मुझे सिल्वर लग रहा है, गोल्ड वगैरह मिक्स है। हाँ गोल्ड सिल्वर मिक्स ही है। और एक ये वाला पर्स भी है, ये मैंने ऐसे ही लिया हाथ में, मतलब छोटा इधर कार्ड में रखते हैं ना, ऐसे वाला पर्स मेरे पास नहीं है, मैंने ये फर्स्ट टाइम लिया जैसे कार्ड रखने वाला। हाँ हाँ यहाँ पे कार्ड रख सकते, मिरर रख सकते, फोटो लगा सकते, इसके अंदर भी पॉकेट है। हाँ इसके अंदर बहुत सारे पॉकेट्स है इसके अंदर भी। हाँ इसमें दूसरा ऑप्शन है ना, मतलब हाँ मोबाइल आएगा क्या तुम्हारा इसमें, क्या बोलो मेरे को तो मोबाइल नहीं आएगा, मोबाइल का डाउट है। हाँ अच्छा है, फैक्ट्री दो तीन पर्स ऑलरेडी है पहले से, दो अभी नए लेके आए। अच्छा है ना पर तो फाड़ रही है थैली वगैरह, और रखो भी अच्छे से बैग में। हाँ अभी बाकी और थोड़ा। हाँ फिर हमको पैकिंग भी करनी की है, और भी थोड़ा बहुत शॉपिंग है, फिर पैकिंग करनी है। मम्मा ने अपने लिए सिर्फ पर्स क्यों लिया है, क्योंकि ना मम्मा के और मेरे ना बहुत सारे कपड़े नए नए, मेरे न्यू टी शर्ट, मम्मा के न्यू कुर्ती वगैरह। हाँ ना दिवाली में भी शॉपिंग किया था हमने बहुत, और एक दो दिन में हम डी मार्ट भी जाने वाले हैं, उधर मेरे दादू के लिए टी शर्ट और पैंट लेना है, और मेरे मासूस के लिए वो चप्पल लेनी है, क्योंकि वहाँ की ना क्वालिटी ना बहुत अच्छी रहती है, आपको पता ही होगा। हाँ बहुत टिकता है वो, बहुत टिकाऊ चप्पल लेते हैं, मेरे पास है ना। हाँ और हमें डी मार्ट से बहुत स्नैक्स भी लेना है, हमारे ट्रैवलिंग को भी लगेगा, और गाँव के मेरी मासूस लोग भी लगेंगे वो, और मेरी एकदम बड़ी वाली मासी है वो भी हमारे मुंबई आने वाली है, तो उनका भी एक बेबी है, लड़का है बॉय है, तो उसके लिए भी हमको स्नैक्स वगैरह लेने हैं डी मार्ट से। मेरी मासी ना वो बड़ी वाली दिल्ली में रहती है, वो मुंबई में आने वाली है हमारी बेबी। फ्रेंड्स तो आपको कपड़े वगैरह कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताना। देखो ना कबूतर हमको कितना परेशान कर रहे थे, वॉशिंग मशीन के पीछे दिया अंडा, अब तो घोंसला बना रहे। कपड़ा निकलने का आई तो कबूतर ऐसे उड़ा और उधर जाके बैठे, देखो दिख रहा नहीं रहेगा अभी, देखो दिखा तो देखा, मम्मा ने इधर अंडा दिया कबूतर ने, मशीन के पीछे हमारे, वो देखो
कचरा भी दो अंडा दिया यार, कितना कचरा भी करते हैं देखो, दो अंडा दिया रखा और अंडा भी दिया। अभी उधर से निकालना पड़ेगा नहीं तो और कचरा लाके वॉशिंग मशीन के इधर गंदा करेंगे। हाँ ना, वो देखो उधर बैठी है वो कबूतर मम्मा। तो तू ये अंडा देखो, तो कबूतर ने इधर अंडा दिया था क्योंकि ना जब ऋतु मेरे छोटे कपड़े है ना वो मम्मा ने इधर रखे थे ना, तो उसके ऊपर अंडा दिया था। बाद में मम्मा ने वो कपड़े मंगा वाले को दे दिए, तो अभी इधर अंडा दिए इसको देखो का है कबूतर है ना, कबूतर से अंडा है ना, कितना खुश हो रही है देखो ना। चल चल चल। तो अभी है ना 11 o'clock हो गया, अभी है ना डिनर टाइम हो गया, तो वो ही मम्मा भी खाना निकाल रहे। तो आज मैं लेट से खाना खा रही हूँ क्योंकि कल मेरा स्कूल नहीं है, इसके लिए आज मैं दोपहर को सो भी थी ना, इसलिए जल्दी नींद भी नहीं आ रही है। मैंने आज सिंपल ही खाना बनाया है, ये है दाल राइस और ये है अंडा भुर्जी और ये अचार। खाना वगैरह खा के है ना हो गया, और अभी ना 12 o'clock हो गया, तो वो अभी मैं थोड़ी देर में सोने वाली हूँ। रुचि ने देखो कैसे अपना डैडी को सुनाया है उधर, कैसे मोबाइल देख रही है। हाँ ना, तो चलो फ्रेंड्स आज का व्लॉग मैं इधर ही एंड करती हूँ। आई होप आपको ये शॉपिंग व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करना भूलना मत। और अगर आप और इस वीडियो को लाइक करना, और आपके सारे दोस्तों के साथ मेरे चैनल का लिंक शेयर करना, और इस वीडियो का लिंक भी शेयर करना। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।